ये बैक के ऊपर बैठे की बराई का अमल चल रहा है। हमारी ये जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी और ये जो नई पुरानी टेक्नोलॉजी जो था स्ट्रेट लाइन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर डिफरेंस यही था कि स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा धुआँ इतनी जगह के अंदर 24 लाइनों के अंदर से गुजरा होता था, इसके अंदर 5 या 6 लाइनों के अंदर से गुजरा होता है और जितनी भी एमिशन है कार्बन एमिशन जो हैं वो सारी की सारी वेट ईंट के साथ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से चिमनी तक जो धुआँ जो फ़ज़ा के अंदर जा रहा होता था उसके अंदर 85 से लेकर 90% तक 92% तक कमी वाक़ होती है। ये इस धुएँ के गुजर के भट्ठे की जला आग में से जो धुआँ आ रहा है उसका चिमनी के अंदर जाने का लिंक है। पहले हमारे भट्ठे के अंदर ये लिंक जो था वो डायरेक्ट होता था, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं हुआ करती थी। इसकी जो रुकावट है वो हवा धुआँ घूम के जा रहा है और पहले ये रास्ता बंद करने के लिए आदमी को नीचे उतर के दीवार लगा के उसकी लपाई करनी पड़ती थी। अब लेबर को भट्ठे के अंदर नहीं जाना पड़ता, उसको धुएँ के अंदर नहीं जाना पड़ता। ये देखें, ये जो हमारा जलाई का इस वक्त जहाँ पे हमारे जलाई का मरला जो चल रहा है, इसके अंदर हमारी जलाई की ये जो अपर सरफेस है इसके अंदर तकरीबन कोई 50% टेम्परेचर के अंदर कमी वाकया हो जाती है। पहले जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर पुराने सिस्टम के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर जो है केरी के ऊपर हुआ करता था, इस वक्त यहाँ से 50 से लेकर 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो मज़दूरों के काम करने के हालात कार हैं उनके अंदर बहुत ही बेहतरी हुई है। दूसरा, ये स्लो कोल्ड फीडिंग की वजह से कोले की जो है वो बचत 20 से 30% हमारे इस सिस्टम के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी के अंदर मरकजी किरदार इसी ब्लोअर का है। इसी ब्लोअर के अंदर हवा की जो है कम्बशन लेवल बेहतर होने की वजह से हमें कोले की बचत हासिल होती है।